नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्तर की बात और आज मैं हूं आपके साथ गायत्री आचार्य। कोविड का खतरा पहले से काफ़ी कम ज़रूर है, लेकिन अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए सावधानी ना छोड़ें, सतर्क रहें और वैक्सीन के दोनों टीके निर्धारित समय पर ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे, आपकी सजगता ही आपकी सुरक्षा है। इन्हीं बातों के साथ आइए नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तर वासियों को 104 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि के 31 विकास कार्यों की दी सौगात। बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती ग्राम सिलगेर में आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम से लाभान्वित हुए सैकड़ों ग्रामीण। दिल्ली से वापस आकर रेल मंत्री और उड्डयन मंत्री से मिलकर बस्तर में रेल यात्रा और वायु यात्रा की सुविधा बढ़ाए जाने के संबंध में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। नगर निगम जनप्रतिनिधियों के मानदेय को दुगुना करने और निधि को डेढ़ गुना करने के लिए महापौर के नेतृत्व में पार्षद गणों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकास खंड मुख्यालय बस्तर के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में आयोजित पुजारी सिरहा गुनिया बाजा मोहरिया पटेल आठ पहरिया पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सम्मान समारोह और सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। उन्होंने इस अवसर पर बस्तर वासियों को 104 करोड़ रुपए से अधिक राशि के 31 विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मंत्री कवासी लखमा के साथ जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को नवरात्रि के पहले दिन बस्तर विकासखंड मुख्यालय के पुजारी पारा में स्थित गंगादेवी माता मंदिर पहुंचे। उन्होंने यहां माता गंगादेवी की पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा, सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल, संसदीय सचिव रेखचंद जैन, हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष चंदन कश्यप, विधायक चित्रकोट राजमन बेंजाम, दंतेवाड़ा विधायक देवती कर्मा, ऊर्जा विकास बोर्ड के अध्यक्ष मिथिलेश स्वर्णकार, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम आर निषाद, महापौर सफीरा साहू, कमिश्नर श्याम धावड़े, पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी, मुख्य वन संरक्षक मोहम्मद शाहिद, कलेक्टर रजत बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेंद्र मीणा सहित जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। गंगादेवी माता के प्रति बस्तरवासियों की अगाध श्रद्धा है। बस्तर रियासत की पूर्व राजधानी बस्तर में माता की प्रतिमा की उत्पत्ति बांस के जड़ को एक ग्रामीण के द्वारा उसके कंद को निकालते समय अपने आप जमीन से हुई है, जिसे गंगादेवी माता का नाम दिया गया। यह दंतेश्वरी माता की बहन है, बाद में भव्य मंदिर का स्वरूप दिया गया। राजा प्रवीर चंद्र भंजदेव भी यहाँ पूजा करने आया करते थे। यह राजा महाराजा के जमाने का मंदिर है। यह मंदिर बस्तर के 112 गांवों के लोगों के देवी आस्था का केंद्र है। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला भरता है, जिसमें सभी 112 गांवों के देवी देवता माता से भेंट करने आते हैं। इसी मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक जलकुंड भी स्थित है। इस कुंड का जल कभी नहीं सूखता। इसके जल से कई प्रकार की चर्म रोग बीमारी ठीक हो जाती है, ऐसी मान्यता है। प्राचीन समय से ही कुंड के जल से ही माता का स्नान किया जाता है। बस्तर की बात, जगदलपुर। सर्किट हाउस जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का महापौर सफीरा साहू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने अभिनंदन किया। महापौर के नेतृत्व में कांग्रेस पार्षद दल ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। महापौर ने स्मृति चिन्ह देकर आभार प्रकट करते हुए महापौर सभापति पार्षदों का मानदेय और निधि बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। इसके पूर्व गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा नगरीय निकायों के महापौर सभापति पार्षदों के मानदेय राशि दुगुना करने और महापौर पार्षद निधि डेढ़ गुना करने की सौगात देने पर नगर निगम जगदलपुर में कांग्रेस पार्षद गणों ने महापौर सफीरा साहू को धन्यवाद देते हुए पुष्पगुच्छ देकर अभिवादन किया।
इस अवसर पर कांग्रेस पार्षद दल ने कहा कि प्रदेश के महापौर के द्वारा मुख्यमंत्री को नगरीय निकाय के संबंध में मांगों को रखा गया था, जिस पर हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन मांगों को पूरा करते हुए मानदेय दुगुना और निधि डेढ़ गुना करने की घोषणा की, जिसके लिए हम सभी कांग्रेस पार्षद दल उनका आभार प्रकट करते हैं। इस दौरान अध्यक्ष कविता साहू, राजेश रॉय, विक्रम सिंह डांगी, सुशीला बघेल, ललिता राव, बलराम यादव, पंचराज सिंह, लता निषाद, कमलेश पाठक, यशवंत ध्रुव, श्वेता बघेल उपस्थित थे। मई 2021 में सिलगेर में नवीन सुरक्षा कैंप स्थापना के बाद लगातार क्षेत्र के विकास कार्य को स्थानीय प्रशासन, पुलिस और CRPF सुरक्षा बल द्वारा गति प्रदान की जा रही है। इसी सिलसिले में विगत दिनों सिलगेर सुरक्षा कैंप के समीप राशन दुकान स्थापित कर आसपास के क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया गया। इसी क्रम में 1 अप्रैल को सिलगेर गांव में सिविक एक्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिविक एक्शन कार्यक्रम में जरूरतमंद ग्रामीणों को दवाई, कपड़ा, खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की गई। सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत ग्राम सिलगेर के 5-12 के ग्रामीण एवं ग्राम पंचायत सिलगेर के ग्राम बेदरे, मिसीगुड़ा के ग्रामीण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों को आवश्यक जरूरी सामग्री का वितरण किया गया। सिलगेर के 5-12 एवं 2 गांव को खेल सामग्री, वॉलीबॉल नेट और टीम के लिए टी शर्ट, निकर का वितरण किया गया। छोटे बच्चों को कपड़ा प्रदान किया गया। स्कूली बच्चों को पेन कॉपी एवं आंगनबाड़ी बच्चों के लिए स्लेट, पट्टी, पेंसिल प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दौरान मोबाइल मेडिकल यूनिट भोपालपट्टनम एवं बासागुड़ा की मेडिकल टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिसमें 149 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। इसमें 14 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए, जिन्हें दवाई दिए गए। उपचार के दौरान ग्राम बेदरे की महिला को एनेमिक के कारण हाथ पैर में सूजन होने एवं लंबे समय से बीमार रहने के कारण एवं एक पीलिया के मरीज को जिला अस्पताल बीजापुर रेफर किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग में आए समस्त ग्रामीणों के लिए भोज का आयोजन रखा गया। बीजापुर से जगरगुंडा को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण सिलगेर तक पहुंच गया है। कार्यक्रम के दौरान ग्राम पंचायत सिलगेर के ग्रामीणों के द्वारा सभा में अपनी बात पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी गई। सिलगेर के स्कूल आश्रम भवन का निर्माण कराने, स्वास्थ्य सुविधा एवं शासन की कल्याणकारी योजना का लाभ ग्रामीणों को मिले, इन मुद्दों पर चर्चा की गई। पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी बस्तर रेंज के द्वारा बताया गया कि सिलगेर इलाके में जन सुविधा हेतु विकास कार्य को क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से स्थापित किए गए सिलगेर कैंप को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद जनहित में दृढ़ संकल्प के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा बल उन चुनौतियों का सामना करते हुए जन विश्वास अर्जित कर क्षेत्र के विकास एवं सुरक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य कर रहे हैं। हिंदू नववर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी के नेतृत्व में शनिवार की शाम 4:30 बजे महिलाओं की स्कूटी रैली दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद निकली। इस स्कूटी रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं स्कूटी पर सवार होकर निकली। महिलाएं भारत की वीरांगनाओं का रूप लिए चल रही थी। भारतीय पारंपरिक वेशभूषा धारण किए हुए, सिर पर साफा लगाए महिलाएं स्कूटी रैली की शोभा बढ़ा रही थी। जगह जगह चौक चौराहों पर रैली का भव्य स्वागत किया गया। विभिन्न संघ संगठनों, समाजों के द्वारा रैली में शामिल महिलाओं को शरबत पिलाया गया। स्कूटी रैली राजमहल परिसर के सामने से निकलकर गुरु नानक चौक से गुरु गोविंद सिंह चौक होकर कचहरी चौक से होते हुए नयापारा से लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय के सामने से होते हुए चांदनी चौक पहुंची और चांदनी चौक से पार्श्वनाथ चौक होते हुए मेन रोड से जय स्तंभ चौक से सिरासार चौक होते हुए राजमहल परिसर के सामने पहुंची, जहां पर महाआरती की गई। विश्व हिंदू परिषद और उनके अनुषांगिक संगठनों ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रयासरत रहे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बस्तर संभाग उत्कल समाज द्वारा उत्कल दिवस 1 अप्रैल को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उत्कल दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय आयोजन के तहत विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। 30 मार्च को उत्कल भवन में महिलाओं के द्वारा खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 31 मार्च को स्थापना दिवस के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई, जो उत्कल समाज भवन से
निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः उत्कल समाज भवन पहुंचे। जगह जगह चौक चौराहों पर विभिन्न समाज के लोगों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया और शरबत पिलाई गई। महोत्सव के अंतिम दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। 1 अप्रैल को उत्कल भवन में नव निर्मित कक्ष का लोकार्पण भैरवदेव वार्ड की पार्षद त्रिवेणी रंधारी के द्वारा किया गया। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने कहा कि उत्कल समाज का बस्तर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे बस्तर संभाग में हर तरफ उत्कल संस्कृति ही देखने को मिलती है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपराओं के संबंध में जानकारी देने के लिए इस तरह के आयोजन अति आवश्यक हैं। उन्होंने उत्कल भवन में नव कक्ष निर्माण के लिए विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। समाज के द्वारा वरिष्ठ जनों का साल और श्रीफल भेंट कर सम्मान भी किया गया। इसके पश्चात आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई। समाज के नन्हे मुन्ने बच्चों ने आकर्षक गीत और नृत्य प्रस्तुत किए। समाज के पदाधिकारियों के द्वारा सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम का संचालन गायत्री आचार्य ने किया। उत्कल समाज के अध्यक्ष प्रफुल्ल मिश्रा ने आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर काफी संख्या में उत्कल समाज के लोग मौजूद थे। बस्तर की बात, जगदलपुर। स्थानीय सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिंधी गुरुद्वारा में विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान के बाद सुबह सिंधी गुरुद्वारा से सिंधी समाज के युवाओं द्वारा मोटरसाइकिल रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सिंधी गुरुद्वारा पहुंचे। मोटरसाइकिल रैली में शामिल युवा चौक चौराहों पर रुककर डीजे की धुन पर झूमते नाचते नजर आए। शहर के विभिन्न स्थानों में सिंधी समाज द्वारा लोगों को शरबत पिलाई गई। स्थानीय स्टेट बैंक चौक में भंडारा का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। सिंधी गुरुद्वारा के समक्ष दोपहर तक भजनों की प्रस्तुति हुई। भजनों पर श्रद्धालु झूमते नाचते नजर आए। शाम को श्री झूलेलाल की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में काफी संख्या में सिंधी समाज के सदस्य शामिल हुए। समाज के लोग चौक चौराहों पर अपने पारंपरिक नृत्य करते भी नजर आए। जगह जगह चौक चौराहों पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई। सारा माहौल भक्ति रस में डूबा नजर आया। बस्तर में रेल सुविधा की मांग करते हुए बस्तर सर्व समाज विभिन्न संघ संगठनों के साथ बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक अंतागढ़ से पदयात्रा की जा रही है। इस संबंध में बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मनीष शर्मा ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बस्तर के जनप्रतिनिधि बस्तर में रेल सेवा बढ़ाए जाने को लेकर उदासीनता दिखा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ की आम जनता को आंदोलन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, 3 अप्रैल 2022 दिन रविवार को माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेके वहीं से सुबह 6:30 बजे सभी हमारे बस्तर रेल आंदोलन के सभी संघ समाज संगठन प्रमुख जितने भी हैं समुदाय, वो सब यहाँ से एक साथ करीब 6:30 बजे अंतागढ़ के लिए रवाना होंगे। अंतागढ़ में 10 बजे माँ शीतला मंदिर में सभी एकत्रित होके वहाँ से पद यात्रा की शुभारंभ होगी। पद यात्रा में जितने भी नारायणपुर कोंडागांव वाले वासी शामिल होंगे, वह सब जितने हमारे साथ पूरे रास्ते भर चलेंगे, बाकी अपना क्रमिक हमको सहयोग देते रहेंगे। नारायणपुर 5 तारीख को हम लोग पहुँचेंगे, 8 तारीख को कोंडागांव, वहाँ पर भी एक बड़ी सभा होगी और अंत में समापन 12 तारीख को जगदलपुर में यहीं दंतेश्वरी मंदिर के सामने टाउन हॉल में होगा। इस पदयात्रा का हमारा उद्देश्य एक ही है कि बस्तर का जो विकास 56 सालों से जो रेल मंत्रालय की उदासीनता और गैर जिम्मेदारा रवैये के कारण यहां का जो विकास नहीं हो पाया, उस विकास के ऊपर हम सब कटिबद्ध संकल्पित होकर इस आंदोलन को कर रहे हैं। कौन कौन शामिल हो रहे हैं पदयात्रा में? मुख्य रूप से पदयात्रा में हमारे सभी बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी व्यापारीगण, बस्तर परिवहन संघ, सभी समाज संगठन, सिख समुदाय, पंजाबी समाज, सिंधी समाज, दिगंबर, श्वेतांबर, जितने भी यहाँ के 60-62 मुस्लिम समाज और कैथोलिक समाज, यह सभी इसमें अपनी सहभागिता और सहयोग कर रहे हैं।
इन दिनों बस्तर में रेल सुविधा की मांग को लेकर लोगों में आंदोलन की प्रवृत्ति जोर पकड़ती जा रही है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली जाकर रेल मंत्री और उड्डयन मंत्री से मिलकर बस्तर में रेल यात्रा और वायु यात्रा की सुविधा बढ़ाए जाने की मांग की है। इस संबंध में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में गुरुवार को एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि और पदाधिकारीगण उपस्थित थे। पत्रकार वार्ता में पूर्व सांसद दिनेश कश्यप ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बस्तर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसके मद्देनजर बस्तर में रेल सुविधाएं बढ़ाने, वायु यात्रा की सुविधा बढ़ाने और विगत 26 वर्षों से आंदोलनरत महारा समाज को आरक्षण दिलाने के लिए मंत्रियों से मिले और मंत्रियों के साथ चर्चा सार्थक होने की बात कही। उन्होंने बताया, हवाई सेवा के लिए उसके लिए भी हम लोगों ने बात रखा है कि विशाखापट्टनम जगदलपुर से रायपुर से दिल्ली जुड़े, ऐसा हमारा सोच था। और अब जुड़ जाएंगे तो हमारे क्षेत्र का विकास होगा और भी कहीं कहीं जोड़ना चाहें। पिछले समय में भी पत्र लिखा था, उन्होंने आश्वस्त किया था और अभी भी जो हम लोगों के द्वारा डेलीगेशन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया है और बहुत जल्द से जल्द कुछ ना कुछ होगा। हम टिकट मांगने गए होते तो क्या नहीं होता। हम तो अमित शाह जी के पास जाते थे, मोदी जी के पास जाते, हमारे नड्डा जी के पास जाते, हम तो मंत्रियों से मिलने गए थे और मंत्रियों से गुहार लगाए कि भाई ये जो समस्या है इसका निदान कीजिए। उसी साथ में हमारे जो सज्जन बंधु हैं, है ना, महाराष्ट्र, उसके विषय में भी हम लोगों ने आधा घंटा, हमारे साथ महेश जी थे, सुमोह जी थे, सभी जी थे, सभी लोग थे। हम लोगों ने, ये 26 साल हो गए, 26 साल में इनको आदिवासी बनाएंगे ये कांग्रेस के लोगों ने कहा था, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने बनाया नहीं। अभी भले दीपक भाई जी वहाँ शून्यकाल में अपनी बात रखते हैं, शून्यकाल में रखने से नहीं चलेगा। RGI का मामला हो गया, यहाँ है ना, RGI के मामला उसमें लटका हुआ है और हमने उनको मंत्री जी को पूरा बात को बताया है। पहले मध्य प्रदेश था, दोनों भाई थे और हमारे लोग वंचित रह गए, आप यहाँ के लोग लाभ ले रहे हैं, इस बात को हमने उनके पास रखा है। उन्होंने कहा है कि भाई इस विषय को तत्काल उनके सेक्रेटरी को बुलाए, पूरी बात को समझाए और उसके बाद जो है ना, उन्होंने कहा कि भाई इस विषय को जल्द से जल्द हम करेंगे। तो देखिए उनका विषय है और जो है ना, हमारी पार्टी में अगर कुछ विचार होगा तो सोचेंगे कैसा होगा। हम तो मिल के आ रहे हैं, इसीलिए हम लोग तो जाकर के मिल के आ रहे हैं कि जल्द से जल्द हो जाए, क्योंकि पिछले बार हम लोग नौरंगपुर तक गए थे और नौरंगपुर तक जो है ना उनका रेल यात्रा था, फिर जो है ना पद यात्रा चालू हुआ, उस समय बातचीत अच्छी नहीं हो पाई और इसलिए दोबारा संज्ञान दिलाने के लिए हम लोग जो है ना उनके पास गए थे और अभी उन्होंने आश्वस्त किया है, दो ट्रेन को चलाने के लिए मतलब आश्वस्त किया है। बस्तर जिला फुटबॉल संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने स्थानीय वीर सावरकर भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में अपना पदभार ग्रहण किया। अतिथियों ने सभी पदाधिकारियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे वरिष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में अतिथि के रूप में उपस्थित पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए पदाधिकारियों से फुटबॉल के विकास में निरंतर कार्य करने की बात कही। महापौर सफीरा साहू ने भी सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सिटी ग्राउंड का उन्नयन होने से खिलाड़ियों को काफी सुविधाएं मिलेंगी और बस्तर के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। आनंद मोहन मिश्रा ने पुराने फुटबॉल खिलाड़ियों को बस्तर में फुटबॉल के विकास की सीढ़ी बताया। अन्य अतिथियों ने भी अपने अपने विचार प्रकट किए। के बाद अपना अपना नाम शपथ लेता हूं कि जिला फुटबॉल संघ के संविधान के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा, पद की मर्यादा एवं गोपनीयता को बनाए। पुराने पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा के लिए
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार प्रदर्शन करने के लिए बस्तर संभाग टीचर्स एसोसिएशन द्वारा स्थानीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी टाउन हॉल में 3 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देने के लिए शुक्रवार को पत्रकार भवन में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता के दौरान छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी ऋषि देव ने कहा, छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कोंडागांव आज बस्तर समाज के प्रतिनिधि हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय शिक्षा जगत में शिक्षकों का सम्मिलियन और सम्मिलियन के बाद पुरानी पेंशन की बहाली, ये पूर्ण रूप से शिक्षा जगत में शिक्षा कर्मी प्रथा की समाप्ति और बुढ़ापे का टेंशन को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन की बहाली की है, जिसके लिए प्रदेश भर में शिक्षा मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हो रहा है। उसी कड़ी में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन बस्तर संभाग की ओर से 3 अप्रैल 2022 डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम टाउन हॉल जगदलपुर में 11 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे बस्तर संभाग के माननीय मंत्री कवासी लखमा जी सहित बस्तर संभाग के संपूर्ण विधायक और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन में हम मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान करते हुए अपनी पुरानी पेंशन के लिए प्रथम नियुक्ति तिथि से गणना का लाभ देते हुए उस पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कहेंगे। साथ ही साथ जन घोषणा पत्र के अनुरूप कर्मोन्नत का पदोन्नत में जो नालीन बाधा है उस पर प्राचार्य पदोन्नत के लिए वन टाइम रिलैक्सेशन, सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति और लंबित महंगाई भत्ता जो हमें 17% पीछे चल रहे हैं उसकी भी मांग हम मुख्यमंत्री महोदय के सामने रखेंगे। इसके साथ साथ बस्तर में अनुसूचित क्षेत्र भत्ता जो है उसमें 5% की बढ़ोतरी की भी मांग। बस्तर जिला अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया, मुख्य कार्यक्रम है उनका सम्मान कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम उनका सम्मान कर रहे हैं, आभार प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे बीच रहेंगे इसलिए हम अपनी जो कुछ चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो रह गई हैं उन चीज़ों को उनके संज्ञान में लाएंगे, उनको बताएंगे। और हमारा कार्यक्रम मांग पत्र को रखने के लिए हम कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, हम कार्यक्रम सम्मान के लिए कर रहे हैं। चलते चलते आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बस्तरवासियों को 104 करोड़ रुपए से भी अधिक राशि के 31 विकास कार्यों की दी सौगात। बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती ग्राम सिलगेर में आयोजित सिविक एक्शन प्रोग्राम से लाभान्वित हुए सैकड़ों ग्रामीण। दिल्ली से वापस आकर रेल मंत्री और उड्डयन मंत्री से मिलकर बस्तर में रेल यात्रा और वायु यात्रा की सुविधा बढ़ाए जाने के संबंध में जानकारी देने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता। नगर निगम जनप्रतिनिधियों के मानदेय को दुगुना करने और निधि को डेढ़ गुना करने के लिए महापौर के नेतृत्व में पार्षद गणों ने मुख्यमंत्री को दिया धन्यवाद। और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, विविध कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।